वेलकम बैक टू बियॉन्ड द बाउंड्री पॉडकास्ट एंड डे 3 और डे 4 का रिपोर्ट आज हम साथ में कवर करने वाले हैं। टुडे विद मी इज माय को होस्ट सौम्य तिवारी एंड एज ऑलवेज पहले सब्सक्राइब कर लें बिकॉज हम पूरे एशियन गेम्स कवर करने वाले हैं। ओके लेट्स हेड इनटू इट। राइट, सो सबसे पहला जो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडल पूरी इक्वेस्ट्रियन टीम को मिला था एंड गोल्ड मिला था, राइट हाँ, इसमें। गोल्ड मिला था। ये इक्वेस्ट्रियन में ड्रेसेज में इंडिया का पहला गोल्ड है, पहली बार एशियन गेम्स में। और इक्वेस्ट्रियन में 41 साल बाद गोल्ड मिला है, और ड्रेसेज में तो पहली बार ही मिला है। तो ये कल मिला था इंडिया को, शाम का समय था। चाइना को इन्होंने हराया था, सेकंड नंबर पर रही थी चाइना और थर्ड पे हांगकांग चाइना रही थी। तो दोनों चाइनीज वाली टीमों को हरा के इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एंड काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। और पहली बार मतलब हिस्ट्री बनी है कि इंडिया ने गोल्ड जीता है इक्वेस्ट्रियन में, इस इवेंट में, ड्रेसेज में। और ड्रेसेज बताएं, अगर जिनको नहीं पता यूजर्स को, इक्वेस्ट्रियन घोड़े वाला स्पोर्ट होता है जिसमें आप ऑब्स्टिकल से जंप करते हो। ड्रेसेज थोड़ा अलग होता है। ड्रेसेज में घोड़े का एक डांस तरीके का रहता है, एक एलिगेंस वाला स्पोर्ट है जिसमें ये देखा जाता है कि जो राइडर है उसका क्या कंट्रोल है हॉर्स पे और जो उससे बोला जा रहा है वो कर पा रहे कि नहीं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर आप इंदौर शहर के हैं, हमारे शहर के, जो लड़की जीती है स्पोर्ट में गोल्ड वो एक्चुअली डेली कॉलेज की पढ़ी हुई है एंड इंदौर की ही है। सो दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर अस एज वेल एज इंदौरीज। ओके फिर आ जाते हैं। हाँ ये सब में तुम कवर करो। सेलिंग तो काफी आज मेजर स्पोर्ट था हमारे लिए। हाँ, सेलिंग में इंडिया को वैसे ज्यादातर मेडल तो मिलते नहीं है, मतलब इंडिया का इतना अच्छा रहा नहीं है सेलिंग में कभी भी। बट इस बार 2 मेडल लग गए हैं, और एक सिल्वर मेडल लगा था नेहा ठाकुर का। एंड ये भी बहुत टाइम बाद इंडिया को मेडल मिला है सेलिंग में। सेलिंग बहुत एडवेंचरस स्पोर्ट है, जैसा तुमने बताया कि मतलब पानी में वो बोट और वो सेल्स के हवा के फ्लो पे डिपेंड करता है, और उसमें आपको अच्छी स्पीड रखनी पड़ती है एंड टर्न्स भी लेने पड़ते हैं। जब मौका आता है तो आपको अपना बैलेंस बना के रखना चाहिए, वो सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इस गेम का। तो उसमें नेहा ठाकुर को कल सिल्वर मेडल मिला, जो कि एक बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि इंडिया का इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है सेलिंग में। एंड साथ ही साथ फिर इबाद अली करके एक हमारी सेलर है, इनको विंड सर्फर मेंस विंड सर्फर इवेंट में मिला है। सेलिंग के भी कई कैटेगरीज होती है, ऐसा हमने सेड कि विंड का है मेनली, बाकी सेल्स का शेप, उनका साइज, अलग अलग इवेंट्स है। तो इसमें हमारा एक सिल्वर आया है। सिल्वर आया राइट। सिल्वर पिच उसमें आया था नेहा ठाकुर ने, और इबादत अली ने ब्रॉन्ज जीता। इबाद अली ने ब्रॉन्ज जीता है। ओके अब आ जाते हैं आह आज 50 मीटर राइफल। के हाँ मेडल्स, ये आज के मेडल्स, वो कल के थे। डे 3 डे 4 से स्टार्ट करते हैं। सो इंडिया ने यहाँ पे 50 मीटर राइफल में सिल्वर मेडल जीता है। एंड एंड इसमें राइट इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो शूटिंग का था अपना कंटिंजेंट, उसने पिछले बार के 2018 के एशियन गेम्स को मेडल जीते थे, उससे 2 ज्यादा इस बार कर लिए हैं अभी तक। तो इंडिया का वाओ शूटिंग कंटिंजेंट बहुत अच्छा चल रहा है, और 2006 के बराबरी करनी है या उससे ज्यादा जाना है, क्योंकि 2006 में सबसे ज्यादा मेडल मिले थे शूटिंग में इंडिया को। और अगर या हालिया प्रदर्शन देखें इंडिया का, तो इतना अच्छा नहीं रहा था, भले वो ओलंपिक्स हो या कॉमनवेल्थ हो, तब शूटिंग कंटिंजेंट इतना अच्छा मेडल्स नहीं ला पाया था इंडिया का। तो राइट ये वापस बाउंस बैक कर रही है इंडिया अब एशियन गेम्स में, तो अब आगे भी उम्मीद करेंगे, अगला साल ओलंपिक है तो अच्छे मेडल्स आएंगे। होपफुली वही हाँ, फिर 25 मीटर। सिल्वर के बाद इधर गोल्ड भी मिल गया था इंडिया को पिस्टल इवेंट में। मनु भाकर इंडिया की टॉप प्लेयर है, सो उन्होंने इधर टीम के साथ मिलकर इंडिया को गोल्ड जिताया एंड चाइनीज अपोनेंट को पीछे छोड़ा। एंड फिर ये भी सिर्फ कौर हाँ, सामरा ने भी गोल्ड जीत लिया। अब शूटिंग में असम में सेट की हमारे पास अच्छे मेडल्स आ रहे हैं और हम चाइना को मुकाबला दे रहे हैं शूटिंग में, विच इज अ बिग डील बिकॉज चाइना का जो डिसिप्लिन साइड ऑफ स्पोर्ट्स है वो सबसे अच्छा है पूरी दुनिया में, यूएसए के टक्कर पे। तो इधर भी उसमें सेकंड पोजीशन ऑब्वियसली चाइना को ही लगी थी। एंड इंडिया के एक और शूटर है, वो शायद नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखेंगे, बट वो सेकंड पे चल रही थी और उनको आखिरी शॉट लेना था, और उनको मतलब 9.3 के ऊपर स्कोर करना था, मतलब मैक्सिमम 11 समथिंग होता है, बट उन्होंने 8.9 लगाया, तो उसके कारण वो सिल्वर से ब्रॉन्ज में चली गई। प्रेशर उन पर हावी हो गया। ये आशीष चौकसे की बात कर रहा हूँ मैं, वरना अगर वो 0.4 या 0.5 ज्यादा उनका होता, मतलब 9 के ऊपर एवरेज होता है, तो उन्होंने बिलो एवरेज 8.9 का स्कोर करके उनको ब्रॉन्ज लग गया आखिरी शॉट में प्रेशर के मैच में।
या तो इसलिए उनको ब्रॉन्ज लग गया और चाइनीज अपोनेंट सिल्वर ले गई। और जबकि स्विफ्ट कौर शर्मा जो पिछले स्लाइड में देखा हमने, वो एकदम उनका कांस्टेंट प्रदर्शन रहा शुरुआत से, मतलब इनके और सेकंड पोजीशन के बीच में 7 से 8 पॉइंट का डिफरेंस था, जो कि शूटिंग में बहुत बड़ी चीज है। तो वही। इसलिए ये बताता है कि शुरुआत से कंसिस्टेंट रही थी, इसलिए गोल्ड बहुत आसानी से जीता इन्होंने। उसके बाद आज एक और सेलिंग में हमें मेंस डिंगी में मिला है। डिंगी बेसिकली एक टाइप ऑफ बोट होती है सेलिंग में, एंड विष्णु सरावनन ने हमारे लिए ब्रॉन्ज जीता है इसमें। इसमें वही वुमेन ने जो नेहा ठाकुर थी, उन्होंने इसी इवेंट में उन्होंने सिल्वर जीता था और मेंस में इनको ब्रॉन्ज मिला। तो काफी अच्छी बात है कि सेलिंग से भी मेडल आ रहे हैं, जिसकी जो अनएक्सपेक्टेड थे अनएक्सपेक्टेड, बहुत काफी। अनएक्सपेक्टेड था, करेक्ट। उसके बाद ईशा ठाकुर, जिसकी सॉन्ग मैंने अभी बात की थी, 25 मीटर पिस्ट। ठाकुर और मनु भाकर दोनों ने मिलके फाइनल में पहुंची थी दोनों, बट मनु भाकर का ये हुआ था कि उनकी गन, उनकी पिस्टल बीच में माल फंक्शन कर गई फोर्थ या फिफ्थ सीरीज में, तो उनके 5 के 5 शॉट नहीं लग पाए टारगेट, तो उनकी गन माल फंक्शन करने के कारण, और इस कारण उनको फिफ्थ प्लेस पे रहना पड़ा, एलिमिनेट हो गई वो फिफ्थ पोजीशन पे। वरना अगर उनकी गन माल फंक्शन नहीं करती तो वो भी टॉप 3 में ऑब्वियसली आई जाती, क्योंकि उनका बहुत अच्छा चल रहा था शुरुआत के 5 6 राउंड में, बहुत अच्छा चल रही थी, फिर एकदम से उनकी गन पिस्टल माल फंक्शन हो गई, तो उसके कारण उनको फिर बाद में एलिमिनेट होना पड़ गया। बट ईशा जो थी वो उन्होंने स्टार्ट 7th या 8th पोजीशन से किया था, मतलब पहले के 2 राउंड्स में, एंड वो पीछे थी, बट उन्होंने एकदम कमबैक करके सेकंड पोजीशन हासिल करी और टॉप ऑब्वियसली चाइना ले गया, एंड थर्ड पे कोरिया रहा। थर्ड रहा। अब ये काफी इंटरेस्टिंग मैच, मुझे मौका मिला था ये देखने का, स्कीट शूटिंग मैन। स्कीट शूटिंग आई एम श्योर सबको पता होगा, डिस्क उड़ती हुई आती है क्ले की, उसको शूट करना पड़ता है। इसमें काफी टक्कर का मुकाबला था, इसमें चाइना का प्रदर्शन बहुत अप टू द मार्क नहीं था। उनका एक प्लेयर फिफ्थ, फोर्थ या फिफ्थ आया था और वहां से बाहर हो गया था। मेनली यहाँ पे टक्कर चल रहा था अनंजीत सिंह नारुका का, AJS नारुका, और एक कुवैत के 60-year-old शूटर, जिन्होंने एक भी शॉट मिस नहीं किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है अरे स्कीट वाह, शूटिंग में। सो उन्होंने एक भी शॉट मिस नहीं किया, 60 out of 60 परफेक्ट स्कोर था उनका। यहाँ पे हमें सिल्वर मिल गया, हम 1 या 2 पॉइंट से ही चूक गए, नहीं तो गोल्ड, एटलीस्ट टाई ब्रेकर में हमें गोल्ड मिल सकता था। बट काफी अच्छा परफॉर्मेंस था अनंजीत का भी, स्पॉट ऑन शूटिंग की, बिल्कुल पूरा फोकस के साथ की थी, राइट। और हाँ, गॉन। इनके जो रणजीत सिंह नारुका थे, उन्होंने फिर टीम के साथ मिलके ब्रॉन्ज मेडल दिलाया इंडिया को। स्कीट शूटिंग इंडिया का रहा है, मतलब मेडल्स पहले भी आए हैं, तो ये था पता था कि इधर से मेडल्स आएंगे, बट गोल्ड मिलता तो अलग बात होती, बाकी फिर भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन करा है एंड टीम को ब्रॉन्ज दिलाया। उसके बाद वापस से शूटिंग में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मेंस टीम। अब जस्ट सो यू नो फोक्स, नॉर्मल पिस्टल कॉन्टेस्ट में और रैपिड फायर में बहुत फर्क होता है। रैपिड फायर में आपको कॉन्स्टेंटली शूट करना पड़ता है और उसमें ट्रिपल फोकस चाहिए, क्योंकि आपको 3 टारगेट्स एक साथ हिट करने फटाफट लाइन से पूरे। तो हाँ इस हाँ तो इस एंड इंडिया का शूटिंग कंटिन्जेंट तो वैसे ही बहुत अच्छे फॉर्म में है, मतलब हर दिन मेडल ला रहा है तो अच्छा है, और आज का दिन सबसे बड़ा रहा इंडिया के लिए। अगर मेडल्स में बात करेंगे तो सबसे बड़ा रहा, शूटिंग में बहुत मेडल्स दिला इंडिया को, एंड आगे भी 1 2 दिन भी ऐसा चलता रहा तो इंडिया जल्दी ही 50 पार भी कर लेगा मेडल्स अपने। इजिली इजिली आराम से कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ Day 3 Day 4 हुआ है, विच टेक्स अस हाँ टू द मेडल टैली। सो मेडल टैली अगर आप देखेंगे, चाइना ऑब्वियसली बहुत इजिली डोमिनेट कर रहा है। लाइक आप कोरिया और चाइना का बस गोल्ड मेडल रेशियो देख लीजिए, 4:1। 68 गोल्ड उनके, मतलब कोरिया के टोटल मेडल ही इनके गोल्ड से कम है, तो अब हम उसके बारे में क्या ही बोल सकते हैं। बट हाँ, वो तो पता ही था कि चाइना तो डोमिनेट करेगा ही, और उसके होम में हो रहा है तो फिर तो डबल ही मान लो आप। ऑब्वियसली बाकी कोरिया और जापान और हांगकांग चाइना, ये तीनों इंडिया के आसपास ही हैं, मतलब कोरिया को अगर फिर भी छोड़ देंगे अभी थोड़ा आगे है, बट जैसे ही एथलेटिक्स के मुकाबले चालू होंगे, रेसलिंग वगैरह के मुकाबले चालू होंगे, तो एकदम इंडिया फटाफट से वापस तब मेडल टैली बढ़ेगा। में ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो मेरे को उम्मीद है कि इंडिया 3rd या 4th के आसपास फिनिश करना चाहिए, क्योंकि जापान वगैरह जो है ये स्विमिंग वगैरह में ज्यादा अच्छे हैं, और अपने जो प्रिसीजन वाले स्पोर्ट्स हैं, मतलब थोड़े टेबल टेनिस वगैरह भी हो गया इन सब में, और अभी इंडिया का बैडमिंटन का स्क्वाड भी पूरा बच्चा है, अभी उधर भी बच्चा है मेडल्स आने पूरा। बाकी हैं। स्क्वाश अच्छा खेल रही है इंडिया, टेबल टेनिस में अभी सिंगल्स और डबल्स के मुकाबले चालू हो गए, उसमें अच्छा चल रहा है,
तो इंडिया के मेडल्स अभी आने बाकी हैं, एंड पूरी उम्मीद है कि पिछले बार जो 2018 में जकार्ता इंडिया को 70 मेडल मिले थे उससे ऊपर जाएंगे, जिसमें 16 गोल्ड मेडल थे इंडिया के पास, तो उसको क्रॉस करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे इवेंट्स भी जुड़े हैं, क्रिकेट जुड़ गया है, कबड्डी के मैचेस बचे हैं तो उसमें तो गोल्ड आना है, हॉकी में इंडिया को आराम गोल्ड आने के से, आराम से। चांसेस हैं, तो बहुत सारे मेडल्स अभी इंडिया को जुड़ने बाकी हैं, तो जो लेटर हाफ होगा टूर्नामेंट का उसमें इंडिया जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि अभी वाले हाफ में इधर चाइना जापान कोरिया वगैरह के ज्यादा डोमिनेंस है, बट सही, जैसे ही आखिरी वाला पार्ट आएगा तब इंडिया का डोमिनेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि वो वाले स्पोर्ट्स इंडिया को सूट करते हैं और उसमें इंडिया हैवी वेट रहेगा, तो उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया पिछले बार के प्रदर्शन से ऊपर जाएगा और 90 से 100 के बीच में मेरे को मेडल्स की आ उम्मीद है, अगर सकते हैं। बहुत अच्छा खेला तो 100 के ऊपर भी जा सकते हैं जो इस बार का मोटो है, बट हाँ रियलिस्टिक होना पड़ेगा, अभी अभी तो 90 और 100 के बीच में की उम्मीद रख रहे हैं, एंड जैसे जैसे इंडिया अच्छा प्रदर्शन करते जाएगी तो मेडल्स ऊपर हो जा सकते हैं, लेकिन और अगर आज के स्पोर्ट्स की बात करें जो जो मेडल्स वाले नहीं थे बट क्वालिफिकेशन वाले थे, तो उसमें तो इंडिया उसमें ने थोड़ी फोड़ दिया। डिसअपॉइंटमेंट्स की हुई हैं, जैसे बॉक्सिंग में शिवा थापा हार गए और नरेंद्र हार शिखर गए, तो ये अनएक्सपेक्टेड थे, बाकी मतलब नरेंद्र का मैच तो मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट से था तो वो ठीक है, मुश्किल ही था। बट शिवा थापा का ड्रॉ इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि मतलब उनका किर्गिस्तान के एक मुक्केबाज से था जो कि कभी इवेंट्स का कोई मेडल नहीं जीता है, तो शिवा थापा के लिए एक डिसअपॉइंटमेंट था कि वो इंजरी के बाद वापस आ रहे थे एंड उनको प्री क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ गया, बाकी के बॉक्सर जैसे लवलीना या निखत जरीन उन्होंने तो अपने मैचेस जीत के आगे बढ़ गई हैं तो उनसे मेडल्स की उम्मीद है, टोटल 7 बॉक्सर उतरे थे इंडिया के बॉक्सिंग कंटिंजेंट में, उसमें से 3 बाहर हो गए और 4 आगे जा रहे हैं, तो लेट्स सी उधर से इंडिया कितने उठाएगा मेडल। टेनिस में बात करें तो टेनिस में तो एक आज, टेनिस में तो स्कूल आज वाला जो थ्रेड क्वालिफाई, था इंडिया का क्वार्टर्स में क्वालिफाई कर गए हैं चाइना को हरा के, जो कि काफी बड़ी डील थी इंडिया के लिए। वो, चाइना हाँ उनमें ये शायद ये मिक्स डबल का मुकाबला था शायद, तो उसमें क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गए, बट राइट, चाइना के जो टेनिस प्लेयर से वो सुमित नागल जो इंडिया के सिंगल वो वाले प्लेयर थे उनको हार का सामना करना पड़ा, बट वो चाइनीज वाले टॉप सीड थे तो अपन ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बाकी हाँ जो वही थे उनको डबल्स में इंडिया के एक दूसरी अपोनेंट ने हरा दिया जो अभी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गए, बाकी यूकी भामरी जो थे उनको मिक्स डबल में हार का सामना करना पड़ा, वो टॉप सीड थे इंडिया के, बट उनको थाईलैंड वाले थाईलैंड या फिलीपींस की अपोजिशन थी उन्होंने हरा दिया, तो ये थोड़ा इन सब इवेंट्स में थोड़ा मिक्स डे रहा है, बाकी टेबल टेनिस में इंडिया के ने अपने मुकाबले जीते हैं, भले वो तो सिंगल वो डबल्स हो या मिक्स डबल्स हो उसमें इंडिया ने मुकाबले जीते हैं, स्क्वाश में महिलाओं ने जीते हैं मैचेस बट पाकिस्तान से इंडिया हारी है स्क्वाश टीम इवेंट में, आज उनकी टीम टीम इवेंट अच्छी में, है स्क्वाश में मैच, जबकि आज के सोलो में आई थिंक पाकिस्तान हार गई थी, क्योंकि अभी अभी रात को ही हो रहा था मैच। ऑल्सो दैट अभी रिमाइंड, वो ग्रुप टीम इवेंट ही था उसमें, मतलब टीम मतलब सेकंड मैच में सौरभ घोषाल ने हराए थे पाकिस्तानियों को, बट दो पाकिस्तानी ने दो इंडियन वालों का हरा दिया, तो टीम इवेंट में पाकिस्तान 2-1 से जीत गया वो, बट ग्रुप स्टेजेस के मैच है तो इतनी ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, टॉप टू में इंडिया फिनिश करेगा तो आगे बढ़ जाएगा, और राइट। इंडिया ने पिछले 1-2 मैचेस जीते हुए हैं जो टीम वाले हैं, तो उम्मीद तो है कि इंडिया आगे बढ़ जाएगा, मुझे एक एंड चीज सौरभ और घोषाल याद आ रही है, आज इस आज एक ऐसा अपडेट आया कि जो हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि जो इंडियन रेसलर्स हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करने वाले। चीजें थोड़ी बदल गई हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडियन रेसलर्स सिर्फ एशियन गेम्स के लिए ही ऐसा हो रहा है कि इंडिया के तौर से खेलने वाली, इंडिया के तरफ से सॉरी। सो ओलंपिक्स और जो प्रॉपर जो टूर्नामेंट होता है रेसलिंग वर्ल्ड, ग्लोबल रेसलिंग, उसमें तो इंडिया को प्रॉब्लम होगी, बट एशियन गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। एंड ऑल्सो हाँ, और छोट इंडिया का जैसी मैंने बताया था साउथ को कि इंडिया का 18 मेंबर्स का डल जा रहा है रेसलिंग में, तो आराम से 14 से 15 मेडल आप मान के चलो कि इंडिया उठा ही लेगा, बाकी हाँ मंगोलिया और उज़बेकिस्तान वाले पहलवान इंडिया को खड़ी वो टक्कर देते तो हैं, काफी अच्छी। और कभी कभी चाइना या जापान के कोई अगर बहुत बड़े प्लेयर हो तो, बाकी एक और मैं बात बताना चाहूंगा कि वुशु में एक महिला खिलाड़ी है इंडिया की, उन्होंने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, तो एक सिल्वर या गोल्ड उधर से भी मिल सकता है इंडिया को, और कल भी बहुत सारे इवेंट्स हैं जिसमें इंडिया को मेडल्स रखने की उम्मीद है, बाकी हाँ एक डिसअपॉइंटमेंट चेस में आया है कि इंडिया का कोई भी खिलाड़ी चेस नहीं जीत पाया, वो कोई भी नहीं। बहुत था मुझे, क्योंकि सारे इंडिया के टॉप 10 में थे 3-4 प्लेयर इंडिया के वर्ल्ड रैंकिंग में, तो उधर में उधर होने के बाद भी कोई मेडल नहीं लग पाना वो एक डिसअपॉइंटमेंट है। और हाँ, जो फाइट चैंपियनशिप में हम देख के आए प्रज्ञानंद, उसके बाद गुजराती, ये लोग जो प्रॉपर प्रोफेशनल चेस प्लेयर, वो नहीं क्वालिफाई कर पाए, वो काफी बड़ा अपसेट था इंडिया के लिए।
सो गाइस, ये हमारा डे थ्री डे फोर का था कवरेज। ऐसे ऐसे अब हमारा प्लान ये है कि हर कंसेक्यूटिव 2 दिन के लिए हम वीडियो बनाएंगे, यानी कि एशियन गेम्स का वीडियो अब आपको अगला परसों रिलीज होगा रात में। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लो अपडेट सारे ऑन कर लो, सो यू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम अस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।